बिहार में भ्रष्टाचारी का मामला सामने आया है, जहां 9,89,000 की लागत से बनी सीसी सड़क की धज्जियां एक साल में ही उड़ गई, जिसकी कई बार ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पन्ना के गुनौर जनपद पंचायत में भ्रष्टाचारियों पर कोई ठोस कार्रवाई न होने के चलते भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। मामला गुनौर जनपद पंचायत की वुलगवा ग्राम पंचायत का है, जहां पर 9,89,000 की लागत से निर्मित सड़क में भ्रष्टाचार किया गया है। बता दें, सीसी सड़क के निर्माण में घटिया किस्म का मटेरियल उपयोग होने के चलते सीसी सड़क एक साल में ही उखड़ गई। वहीं कुछ हिस्से में इस निर्माण ही नहीं किया गया, जबकि निर्माण कार्य की राशि फर्जी निर्माण सामग्री के बिल और फर्जी मजदूरी कागजों में दिखाकर आहरित कर ली गई। सीसी सड़क में हुए भ्रष्टाचार की कहानी खुद सीसी सड़क बयां कर रही है, जिसमें सीसी सड़क 20 से कई हिस्सों में बट गई है और वहीं कई जगहों पर आधा अधूरा निर्माण हुआ है। बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि कई बार जनपद पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक शिकायतें की गई, लेकिन ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों की जांच तो आज तक नहीं हुई। उल्टा भ्रष्टाचार में लिप्त ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों ने कई ग्रामीणों पर दबाव बनाने के लिए झूठी शिकायत कर झूठे मुकदमे जरूर उन पर दर्ज करा दिए हैं। जब इस संबंध में ग्रामीण यांत्रिक विभाग के SDO से बात की गई, तो पूरे मामले में गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। और जब इसी मामले को लेकर गुनौर जनपद पंचायत के CEO से बात की गई, तो उन्होंने जल्द जांच कर कार्रवाई की बात कहकर पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। वहीं ग्राम पंचायत के ग्रामीणों की शिकायत पर जिला प्रशासन द्वारा निर्माण कार्यों के लिए जांच टीम भी बनाई गई थी, लेकिन अभी जांच नहीं हो पाना जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। नहीं हुए इस रोड को बने हुए, इसमें सब मटेरियल घटिया मटेरियल लगा हुआ है एकदम टोटल। इसमें डस्टर डाला गया, गिट्टी ऐसी नावचार के लिए सीमेंट ऐसे लोकल लोग सीमेंट डाल के बनवाया गया, खाली दो आंगों से ऊपर ज्यादा नहीं हुई है। अच्छा, हाँ, क्या मानेंगे इसका, इसमें बहुत घपला हुआ है। अच्छा, हाँ, क्या मानेंगे इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? बहुत भ्रष्टाचार हुआ इसमें। अच्छा, आपके द्वारा शिकायत की जाती है? हमने शिकायत किया था तो मेरी FI दर्ज कराया था लबरी। हाँ, सरपंच ने सचिव हन ने मिल के। हाँ, और मेरे फिर मैंने फिर पैसा दिया था, इसके बाद 151 लगाया गया था। इसी रोड को लेकर के इसी रोड में एक बार अभिषेक मिश्रा पे भी केस हुआ है। हाँ, अभिषेक मिश्रा इसी में हुआ था, इसी में मेरा भी किया था। इस कार्य की जांच के लिए सहायक यंत्री मिस्टर वी के रसारिया को अधिकृत किया गया था। मैंने भी इसका निरीक्षण किया है। पंचायत द्वारा अभिलेख की मांग की है, अभिलेख जैसे ही आता है जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दें। 7 माह पूर्व जिला पंचायत से आदेश हुआ था, जिसमें आदेशित किया गया था कि 6 जांच 3 दिवस में पूर्ण होना, 7 दिवस में वास्तव जांच का ना होना, सर इसमें कैसा क्या रहेंगे? पहले की कार्रवाई का मुझे जानकारी नहीं। आपके द्वारा जब मुझे कागज उपलब्ध कराए तब मैं गया था जांच करने। अब देखेंगे, अभी साहब जांच करने गए थे तो कुछ रोड खराब थी उसमें, तो अभी रिपोर्ट आई नहीं उसकी, रिपोर्ट आएगी तो उसमें कार्रवाई हो जाएगी। करीब 6 माह से जांच चल रही है सर, आज तक रिपोर्ट नहीं आना, या इसमें कैसा क्या मानेंगे इसको, किस दृष्टि से देखेंगे? गए तो फिर देखने, देख तो आए हैं। क्या जांच में क्या रिपोर्ट आई? अभी कुछ नहीं दिया, हमने दिया, हमने लिख के आया नहीं कुछ। क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही सर, जबकि 6 माह से मामला लंबित है? तो अभी हिसाब से पूछो, क्या नहीं हो पा रही। न्यूज़ PK के लिए पन्ना से विनय पांडे की रिपोर्ट।